नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ मैं आपको बताने जा रहे हैं एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है मिस खिलाड़ी द परफेक्ट प्लेयर। ये एक लड़की के ऊपर बनी हुई है जो कि एक अच्छी खिलाड़ी है, यानी मिस खिलाड़ी के हैं। वो पहले एक लड़के को फंसा लेती है और फंसा के पैसे हटने का काम करती है, क्योंकि वो बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है, यानी कि बड़ी सिटी में जाके मुंबई जैसी जगह में पैसा कमाना चाहती है। तो वो एक को फंसा लेती है और पैसे ऐड लेती है, और उसके बाद वो मुंबई आ जाती है। मुंबई आती है तो गार्डन में जब टहलने जाती है तो एक बेचारा म्यूजिशियन रहता है, यानी गिटार बजाता रहता है, तो उससे जाके बात करती है, उसको पटाने की कोशिश कर लेती है। और उसके बाद जैसे ही शाम को जब इंटरव्यू जाना होता है तो इंटरव्यू थोड़ा लेट हो जाती है, तो बॉस को रिजाने के लिए कहती कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस जॉब चाहिए। तो इस तरीके से बॉस को भी वो पटा लेती है। इस तरीके से जो म्यूजिशियन है उसका फ्रेंड बन जाता है और उसका घर पर आना जाना हो जाता है। इस तरीके से क्या है कि उसके बॉस के साथ तो उसकी पहले से ही बन चुकी थी, तो बॉस उसको बताता है कि एक मेरी मैडम है जो कि बहुत अपसेट रहती है, तो उसके लिए कोई गिटार म्यूजिक बजाने वाला कोई टीचर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो ये उसके फ्रेंड के बारे में बता देती है और दोनों को मिलवा देती है। लेट हो जाती है। इतने में क्या होता है कि वो जब जा रहे होते हैं, यानी कि ऑफिस में वो बॉस और उसका फ्रेंड यानी कि शेखर बैठा हुआ होता है, तो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। इतने में मैडम आ जाती है, तो बॉस उसकी तारीफ करता है कि ये हर कुछ चीज़ संभाल लेती है। ऐसे में स्टोरी चलती रहती है और उधर पर घर पे वो उस मैडम को गिटार सिखाता रहता है। गिटार सिखाते कुछ अनबन ऐसी होती है कि वो उसकी सिस्टर यानी छोटी सिस्टर को देख लेता है। जिस सिस्टर को देखता है वो कुछ समझाती रहती है और बताती रहती है। इतने में क्या होता है कि जो बॉस का फ्रेंड शेखर रहता है उससे दोनों की डील हो जाती है, इसकी और उस मिस खिलाड़ी की डील हो जाती है। तो उसको बॉस को मारने का प्लान बना लेते हैं और सब तुम्हारा हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लान बना लेते हैं। इधर उन बॉस की बीवी का और उस म्यूजिशियन का चक्कर चलने लगता है और दोनों प्यार में डूबने से लगते हैं। तो इसी प्यार में डूबने के चक्कर में इधर पे वो मिस खिलाड़ी उस शेखर के साथ प्लान बना के उसको मारने का प्लान बना लेती है। तो प्लान तो बनाती है, इतने में वो म्यूजिशियंस को कुछ गिफ्ट देने की बोलता है कि आज सरप्राइज देता हूँ क्योंकि उसका जन्मदिन था। तो होटल पे एक बुलाता है और सरप्राइज देते हैं और दोनों साथ में एक रात गुजार लेते हैं और साथ में गुजारते हैं, दोनों को अच्छा भी लगता है। अगले दिन क्या होता है कि बॉस वो बोल देती है कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, तो बॉस से मिलने वो चला जाता है। जैसे ही मिल के वापस जाता है तो वो मिस खिलाड़ी उस बॉस को टपका देती है, और टपकाने के बाद जैसे ही टपका देती है तो पुलिस की छानबीन चालू हो जाती है, सबसे पूछताछ चलती है, 1 2 3 जैसे चलते चलते आगे बढ़ती जाती है। तो दोनों एक बॉस की बीवी और सेक्रेटरी यानी कि मिस खिलाड़ी दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं। तो बोलती है मैं उसकी बीवी हूँ, ये हूँ वो हूँ, जा तेरने के लिए लेने के लिए ऐसा करने लगती हैं। और बाद में जैसे ही इन दोनों के बीच झगड़ा होता है तो फिर म्यूजिशियन आ जाता है। म्यूजिशियन के बोलते हैं कि हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पुलिस बोलती मैं जानता हूँ। और उसकी बीवी यानी बॉस की बीवी की सिस्टर उसको बार बार दिखाई देती है और मिल जाता है, जैसे उसको कुछ बता देती है। अब ऐसे में वो बाद में जब म्यूजिशियंस की बहन को यानी कि बॉस की बीवी को बताता है उसकी सिस्टर के बारे में, तो बोलती कि मैं अपसेट इसलिए थी क्योंकि वो मर चुकी है। हैं, मर चुकी है तो मेरे को दिख रही है आत्मा, कैसे संभव है। तो इस तरीके से आगे चलती है, बताते हैं। और जैसे ही वो उसको बताता तो मेरे साथ धोखा क्यों किया ये वो। और बाद में जब वो पुलिस वाले चाहे तीनों रहते बोलते हैं कि ये सब करवाने वाला तो कोई और है, यानी कि बॉस का फ्रेंड शेखर। और शेखर के पास जाते, शेखर को पहले ही वो टपका चुकी होती है और वो वहाँ से निकल लेती, यानी कि मिस खिलाड़ी यानी परफेक्ट खिलाड़ी, मतलब सब काम करके निकल लेना ही मिस